तो कुछ दिन पहले मैंने ज्वाइन की थी क्रेजी एसएमपी और बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैंने कर दिया था उसको लीव। और लीव करने के बाद भाई मेरे पास फिर से कंटेंट की कमी आ गई थी, इसलिए मैंने खुद की एसएमपी बना दी जिसका नाम है टाइटन एसएमपी। और ये एसएमपी एक लाइफस्टाइल एसएमपी है जिसमें मैं किसी को भी मार के उसका दिल ले सकता हूँ। और इस एसएमपी में है बहुत सारे डेडलीस्ट प्लेयर जिनको मैं कभी नहीं मार सकता। सहलेंगे थोड़ा सा। और आजकल YouTube का एक ग्लिच चल रहा है कि भाई सब्सक्राइब ही नहीं होता, तो तुम ट्राई करके देख लो, तुम्हारा सब्सक्राइब होता है तो कर देना। और आज की वीडियो को लाइक भी कर देना, लाइक एम है 150 लाइक्स का। एंड नाउ लेट्स गो इनटू द वीडियो। एसएमपी में आते ही हमने शपथ ली कि सारे के सारे रूल्स को मानेंगे, और हम तीन बंदे थे। और शपथ लेने के बाद मैं चला गया भाई माइनिंग करने, माइनिंग मतलब वुड की माइनिंग करने। और एक दिन तक भाई एसएमपी में किसी को भी मारना इज इक्वल्स टू बैन, यहाँ तक कि मैं ओनर हूँ एसएमपी का, पर तभी भी मैं रूल्स फॉलो करूँगा, फिर ही एसएमपी ओपी बन पाएगी। तो थोड़ी माइनिंग की क्लिप देख लो तुम। One more time before I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go, higher powers taking a hold on me. तो अभी एसएमपी में डे 2 स्टार्ट हो गया और भाई मैं पूरी रात स्वॉर्ड गेमिंग के साथ बिताई, मेरा मतलब कि मैंने उससे रिसोर्सेस लिए और फिर ब्लास्ट में भाग गया उससे रिसोर्सेस लेके टीम के बहाने। और वो बेचारा नूबड़ा मान भी गया कि रिसोर्सेस देने के लिए। और अभी भाई मेरे को करनी थी बहुत सारी ग्राइंडिंग और अपना डिसाइड करना था स्पॉन, पर उससे पहले मेरे को दिख गया एक एंडरमैन और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चुल मची कि मैं एंडरमैन को मारने का सोचा, पर उसने तो भाई कुछ और ही कर दिया, मेरे पीछे पड़ गया। फिर मैं सोचा कि यहाँ पे छुप दो और वो भाई तभी भी हिट मारी जा रहा था, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये हो गया, मेरा एक दिल गायब हो गया। एंड टुडे शाउट आउट गोज टू स्निफिंग क्राफ्ट, इनके चैनल को विजिट कर लेना अगर तुम्हें करना है तो। और अगर तुम्हें भी शाउट आउट चाहिए तो भाई मेरा रोल नंबर कमेंट करो, जिसका मेरे रोल नंबर से मैचिंग होगा रोल नंबर, उसको अगली वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। उसके बाद क्या था, मैंने गया वहाँ पे और अपना सामान उठाया और दुख में सामान उठाया और फिर खाना पकाने के लिए रेडी हो गया। और मैंने बहुत सारे जानवर हत्या भी की। उसके बाद मैं यहाँ पे खाना पकाने लग पड़ा भाई, और बोनफायर से बहुत सही खाना पकता है। और शवल से मैंने गलती से खाने की बोनफायर ही बुझा दी, और मेरे को नहीं पता था भाई शवल से बुझती है बोनफायर। और हमने डिसाइड किया था कि यही हमारा स्पॉन होगा भाई, ये अच्छी जगह, बस इसको थोड़ा सा प्लेन करना। और ये काम मैंने एसएमपी मेंबर्स को दे दिया, थोड़ा सा खुद किया और फिर एसएमपी मेंबर्स को दे दिया। और फिर मैं जगह प्लेन करने लग पड़ा क्योंकि भाई कोई काम नहीं था मेरे पास, और मैं जगह प्लेन करने लग पड़ा। और मेरा मिशन था आज की वीडियो में किसी ना किसी को स्कैम करना, वो भी भाई वुड से। मैं उसको बोलूँगा कि मैं भाई तीन को ज़्यादा वुड दूँगा, मतलब 4-5 स्टैक वुड, और ड्रॉप करूँगा बस 2-3 वुड और फिर स्कैम कर दूँगा उस बेचारे को। फिर मैंने आयरन आर्मर जितना आयरन माइन किया और अपने लिए आयरन आर्मर और आयरन टूल्स बना लिए, उसकी क्लिप देख लो तुम। और ये लो लास्ट टाइटन फनने से, और ये बन गया टाइटैनिक आयरन मैन। मेरे को लग रहा था कि अभी तक लोगों ने बस आयरन आर्मर ग्राइंड किया होगा, पर मैं गलत था। और उसके बाद मेरे को भाई डेथ ने, शॉर्ट गेमिंग ने 2 मिनट के लिए वीसी बुलाया, और फिर कुछ ऐसा हुआ, पेड़ काटो पेड़ काटो पेड़ काटो। तो अपने घर बनाने के लिए हम पेड़ काट रहे हैं गाइस, और अभी बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं तो काटते हैं। पेड़ ही काट रहा था मैं क्योंकि मेरे को घर बनाने थे, और इसलिए मैं पेड़ काटता रहा और पेड़ ही काटता रहा, बहुत बोरिंग है। चलो अभी अगला पेड़। अरे शॉर्ट गेमिंग कुणाल भाई वीसी आओ, 2 मिनट काम है प्लीज़।
ओके वीसी बुला रहा है बंदा, तो वीसी आते है। ओके तो हेलो 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 सॉर्ड, क्या 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 काम क्या है तुम्हें, मुझे बुलाया वीसी ने। ब्रो यार ये भाई तुम्हारे पास वो है क्या, वुड है क्या, मैं तुम्हें डायमंड वुड की वजह कितने वुड चाहिए, 10-12 स्टैक्स। 10-12 स्टैक ही चाहिए। 10-12 स्टैक्स तो नहीं होंगी, आपके स्टैक्स चलेंगी आपके 8-6 दे दो, जितनी है उतनी दो, मुझे बहुत जल्दी चाहिए। पता नहीं समाओ सॉर्ट के पास आ गए थे डायमंड्स बहुत ज्यादा, मेरे को पता है कि उसने भाई पूरे संडे को ग्राइंडिंग की थी, तो डायमंड्स आ गए थे और मैं उसके डायमंड्स स्कैम करने वाला था। उसको 10-12 8-9 स्टैक्स चाहिए थी और मैंने उसको बोला 8-6 चलेंगी और वो कहता चलेंगी, तो मैं 8 ड्रॉप करके आ गया, तो उसके बाद कुछ ये हुआ। अभी सॉर्ट मेरे को मार सकता था पर भाई उसको तो वुड चाहिए थी अपना हाउस बनाने के लिए, इसलिए वो नहीं मारा मेरे को। और वो अभी डील कर रहा था और बीसी की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रहा क्योंकि भाई क्रैकबोर्ड अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए मैंने 8 यहाँ पे ड्रॉप की वुड और वहाँ पे उसके डायमंड्स ड्रॉप करने का वेट कर रहा था। और कब करेगा डायमंड्स ड्रॉप, कब करेगा, जैसे ही ड्रॉप करेगा वैसे मैं भाग के ले जाऊँगा डायमंड्स। ओके जल्दी कर दे सॉर्ट, अरे यार चल। ओके ओके हो गए डायमंड्स ड्रॉप, भागो और भागो भागो भागो। और अभी अगर मैं तुम्हें वीसी की रिकॉर्डिंग सुनाऊं भाई, उसके रिएक्शन इतना गंदा रिएक्शन कर रहा था ना, पर मैं तो भाग गया टाइम से। और ये यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 35 डायमंड्स, जो बहुत सही है, और हमारा स्कैम बहुत मस्त हो गया। तो आगे से शॉर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे स्कैम से बचने के लिए। तो आज की वीडियो क्लिप इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर तुम्हें भी भाई मतलब कि इस SMP को ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन वीडियो बनानी पड़ेगी, पर अभी मत बनाओ एप्लीकेशन वीडियो, जब मैं बताऊंगा हाउ टू ज्वाइन टाइटन SMP जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें तुम उसके बाद तुम एप्लीकेशन वीडियो बनाना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा एप्लीकेशन वीडियो में क्या क्या दिखाना है। उससे पहले बनाओगे तो भाई चांस होगा कि तुम आ सकते हो SMP में। बाकी आज की वीडियो क्लिप इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और ये वाली वीडियोस देख लो जो अभी तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही है। ओके तो बाय।